और यहाँ अजगर को यार लपेटे हुए हैं गले में, गले में लपेटे नहीं एक्चुअल में बैठे हैं उसके ऊपर। देखो नीचे, यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ तो जटा का डिजाइन मेरे ख्याल से बनेगा। सो हाय गाइस, ये है अपना पार्ट टू। एक्चुअली जो पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा श्रुति मूर्ति कला केंद्र का, ये उसके बाद का शूट कर रहा हूँ। तो स्वागत है इस ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में अपन स्पेशली कवर करने वाला है पूजा मूर्ति कला केंद्र, जो कि अभी माना में है। आप लोगों को बता दूं, माना मूर्तियों का गढ़ माना जाता है, बहुत सारे मूर्तियों का दुकान है। और जैसे कि पूजा हो गया, साईं हो गया, श्रुति मूर्ति कला केंद्र हो गया, बहुत सारे से दुकान है। तो एक श्रुति का दिखाया हूँ, और कुछ दिन पहले आप लोगों को दो दुकान का दिखा दिया था, साईं का दिखा दिया था, ओम जय का दिखा दिया था। अभी मैं आ गया हूँ पूजा में, तो पूजा मूर्ति कला केंद्र का भी दिखाता हूँ। और बाजू में पड़ता है दिशा मूर्ति कला, उसका भी दिखा चुका हूँ पहले ही। तो आज मूर्ति कला जो पूजा वाला है इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, नंबर आपको वहाँ दिख जाएगा, जो कि है 9098658430। तो आप लोग कोई भी क्वेरी करना चाहते हो तो क्वेरी कर सकते हो। अब मैं सोचा था कि माना में आए हूँ तो पूरा ब्लॉग आप लोग को बना कर दिखा दे, चलो दोबारा पता नहीं कब विजिट करूँगा नहीं करूँगा। तो देखो यहाँ का भी जो जब सबसे छोटा वाला मूर्ति है ना, उसका जो हाइट है वो 4 फीट से स्टार्ट हो जाता है, और हाईएस्ट में आपको 12 फीट जाएगा। यहाँ के जो ऑनर है वो बता दिए हैं, और वो बाहर बैठे हैं, एक्चुअली अंदर बहुत गर्मी लग रहा है। तो मैं भी फटाफट बहुत शॉर्ट ब्लॉग रखूँगा, आप लोगों को बस दिखाऊँगा कि यहाँ भी जो गणेश भगवान की तैयारी है कैसे हो रहा है। तो लाइन बाई लाइन देखते चलो। अभी जो बेसिक है वही बस क्लियर हुआ है, पुट्टी उट्टी काम अभी नहीं हुआ है। और बाजू में देखोगे तो पूरा बड़ा बड़ा मूर्ति है, और इधर आपका 4 फीट 5 फीट 6 फीट ऐसे मूर्ति देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट सा वीडियो रखेंगे, आप लोग बस देखो, नंबर दिखा दिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कर सकते हो। बाकी प्राइस के लिए बोलोगे तो प्राइस अभी रिवील करना अच्छी बात है नहीं, क्योंकि मूर्ति का बहुत सारा काम बाकी है। काम हो जाने दो, पेंट वेंट हो जाने दो, तब जाके एक बार और आऊँगा तो उस वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से प्राइस रिवील कर दूंगा किसका क्या प्राइस है। और वैसे भी आप लोग जब आओगे परचेस करने ना, तब प्राइस जानोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें क्या है, कोई भी एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताता है, एक अंदाजे से बताते हैं। फिर ऊपर नीचा होगा तो आप ही को लगे कि यार कि मैं प्राइस क्या बताया, और आप आओगे तो प्राइस क्या मिल रहा है। इसलिए आप लोग आओगे तो प्राइस को लेकर ज़्यादा क्लियर होगा। मूर्ति कैसा बन रहा है वो मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा अपने तरीके से। पूजा मूर्ति कला में ये जो मूर्ति देख रहे हैं ना, ये बनने के बाद काफ़ी प्यारा दिखेगा। क्यूट सा गणेश भगवान को इधर, और यहाँ एक माता को बनाया जा रहा है, उनके गोद में खेल रहे हैं। तो देखो कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। तो अच्छा अच्छा यूनिक यूनिक यहाँ भी आप लोगों को मूर्तियाँ देखने को मिलेगा। और इधर आप लोग को दिखाया था, ये देखो कितना बड़ा नीचे हाथी का सूंड है, और इसके ऊपर गणेश जी विराजमान है। तो अलग अलग रूप में, अलग अलग स्टाइल में, जैसे कि यहाँ देखो मूसक जो है उसको कितना बड़ा बनाया गया है, और मूसक पे ही उसी के लगभग साइज़ में, और यहाँ गणेश जी को बनाया गया है। तो ये था इस लेन वाला मूर्ति। अभी चलते हैं बाजू वाले लेन में, क्योंकि बाजू वाले लेन में ना बड़ा बड़ा मूर्ति है। तो चलो फटाफट बाजू वाले मूर्ति को भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। गणेश जी का बढ़िया सा मूर्ति, और पीछे एकदम जंगल का डिज़ाइन बनाया जा रहा है। यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ तो जटा का डिज़ाइन मेरे ख्याल से बनेगा। और हाइट की बात करो तो इस मूर्ति का हाइट नहीं भी होगा तो 8 फीट के अराउंड में होगा। बढ़िया बढ़िया ये वाला मूर्ति में पूरा बड़ा बड़ा है। यहाँ देखो कितना बड़ा भव्य विकराल रूप में पूरा मूर्ति बनाया गया है। देख लो पीछे पूरा पेड़ का सीन है, और सामने है अपना गणेश जी, और यहाँ मस्त विराजमान है गद्दे पे। 8 फीट 9 फीट ऐसे मूर्ति है। ये देखो यार, ये सबसे पूरा भयानक दिख रहा है, ये देख रहे हो, यहाँ अजगर है। अजगर श्रुति मूर्ति कलाकंद में दिखाया था आपको, ड्रैगन था, और यहाँ अजगर को यार लपेटे हुए हैं गले में, गले में लपेटे नहीं एक्चुअल में बैठे हैं उसके ऊपर। देखो नीचे पूरा अजगर ही है ये वाला। अभी जब पेंट होगा ना पूरा विकराल रूप लेगा, ये भयानक दिखेगा, जबरदस्त। और यहाँ सॉफ्ट वाला मूर्ति है, सॉफ्ट मतलब एकदम स्माइली वाला पूरा, ये देख सकते हो। और इसका हाइट नहीं भी होगा तो ये अपना 12 फीट से कम नहीं होगा, 12 फीट के अराउंड होगा। और ये वाला मूर्ति भी देखो, ये भी अपना 11-12 फीट होगा। तो सही है, यहाँ भी मतलब अगर बड़ा मूर्ति चाहिए 4 फीट से ज़्यादा हाइट का, तो आप लोग इस मूर्ति कला केंद्र में विजिट कर सकते हो। अब अपन एक लास्ट लाइन आ गए हैं, यहाँ भी थोड़ा कुछ कुछ मूर्तियाँ रखा हुआ है। अब इसको भी आप लोगों को फटाफट एक्सप्लोर करा लेता हूँ, और उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि मुझे आज ही मतलब और भी व्लॉग शूट करने हैं। सोच रहा हूँ कि माना जब आए हूँ तो और भी पूरा शूट कर लूँ, एक एक करके डालते रहूँगा। तो ये देख लो इस लेन में कुछ कुछ मूर्तियाँ यहाँ भी रखा हुआ है,
और ये जो मूर्ति का डिज़ाइन है ये काफ़ी फेमस था रायपुर में पिछले साल भी। पीछे से बैकग्राउंड में धुआं निकलता है और ये वही वाला मूर्ति, इसी टाइप का मूर्ति था। गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है अंदर, क्योंकि ऊपर तिरपाल होता है और कलर का जो इफेक्ट देख रहे हो ना ऊपर तिरपाल के कारण होता है। ये मत सोचना कि रेटिंग में वैसे गड़बड़ कर दिया हूँ मैं, बिल्कुल नहीं। तिरपाल का रंग हरा होता है इसलिए पूरा हरा कलर का ऊपर से एक ओवरलैप क्रिएट हो जाता है। तो चलो, ये था छोटा सा ब्लॉग आपका पूजा मूर्ति कला का। सोचा था कि आया था माना में तो ये भी सब एक्सप्लोर करते चलूँ। एंड आई होप गाइज कि आप लोग को पूजा मूर्ति कला के भी अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और फाइनली मैं मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन पता नहीं क्या करना है, पहले लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको ये सब अच्छा लगता है, ज़बरदस्ती किसी को शेयर मत करना, और उसके बाद कमेंट भी करो। चलो अब रखते हैं ब्लॉग को यहीं तक, मिलेंगे आप लोगों से फाइनली नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।